दोस्तों तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फ़िल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल माल चीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों तो गोलमाल अगेन जो कि दो की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगलमूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फरहाद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात कर यार, यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप में बरचेज हिरजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबे एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आकसअपी में तीन सौ दस पॉइंट करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो हज़ार सत्रह में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉग बोस्टर थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका जी, आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन अट्ठानबे करोड़ तीन सौ दस प्वाइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ मिश्री समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस मूवी की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गुतलाता है और लक्ष्मण तुतलाता तु तु है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को जमुना दास के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं यमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुना दास की स्मारक सेवा के लिए 25 साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोन दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे आप रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है यह सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग भी टेन आउट ऑफ फाइव की रिटर्न दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल माल चीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों तो गोलमाल अगेन जो कि 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉरर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगलमूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात करें यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप में प्रजचे हिरजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबे सौ मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आगसपी में तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली क्या उस पर 2017 में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका जी आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन सौ करोड़ तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस मूवी की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गाता है और लक्ष्मण है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को यमुना के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं जमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं कई बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दो दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लक्की को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग भी आम से टेन फाइव की रिटर्न दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल माल चीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों तो गोलमाल अगेन जो कि दो की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगल मूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात करें यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद साउद सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु रेडी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप में बरचेज हिजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबा एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आकसफ़ी में तीन सौ दस पॉइंट करोड़ से अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट जो पर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका आजीवन घरेलू शुद्ध संग्र, संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन करोड़ तीन सौ करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गूंगा है और लक्ष्मण तुत तु तु लाता है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को यमुना के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं जमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोनों दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथाले छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग मिली है। तो टेन आउट ऑफ फाइव की रेटन दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल माल की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों गोलमाल अगेन जो कि 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉरर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगल मूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और कथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात करें यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद साउद सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप मेंज हिरजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबे एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आकसअपी में भी तीन सौ दस पॉइंट करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो हज़ार सत्रह में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपर पर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉग बोस्टर थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका जी, आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन अट्ठानबे करोड़ तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ मिश्री समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस मूवी की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गुतलाता है और लक्ष्मण तुतलाता तु तु है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को जमुना दास के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं यमुनादास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए 25 साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोनों दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का, का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग मिली आन फाइव की रेटर ना दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोल माल की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों गोलमाल अगेन जो कि 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉरर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगल मूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात करें यानी यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल रूप 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 के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद साऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप में ब्रजेज हिरजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबा एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का इसने माकसफी में तीन सौ दस पॉइंट करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो हज़ार सत्रह में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका जी, आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन सौ करोड़ तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस मूवी की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गाता है और लक्ष्मण है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को जमुना के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं जमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और जमुना दास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोन दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लक्की को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग भी आम से टेन आउट ऑफ फाइव की रिटर्न दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल माल चीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों तो गोलमाल अगेन जो कि दो की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगल मूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात करें यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही प्रनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद सऊ सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप में प्रचेज हिजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो 20 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबे एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आकसाफी में तीन सौ करोड़ से वैदिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट जो पर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉग थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन सौ करोड़ तीन सौ करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस मूवी की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी है और लक्ष्मण तुतलाता है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को यमुना के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं जमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोनों दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसू के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग भी आम डी टेन आउट ऑफ फाइव की रेटिंग दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल मालीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों तो गोलमाल अगेन जो कि दो की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगलमूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फरहाद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात कर यार, यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप मेंज हिरजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबे एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आकसअपी में तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो हज़ार सत्रह में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉग बोस्टर थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका जी, आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन अट्ठानबे करोड़ तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ मिश्री समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गुतलाता है और लक्ष्मण तुतलाता तु तु है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को जमुना दास के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं यमुनादास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए 25 साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोन दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लक्की को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है यह सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग भी टेन आउट ऑफ फाइव की रेटिंग हमारी दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल माल चीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों तो गोलमाल अगेन जो कि 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉरर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगलमूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात कर यार, यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडू रंगा के रूप में प्रचेज हिरजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबा एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का इसने बासफापी में तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो हज़ार सत्रह में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका जी आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन सौ करोड़ तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस मूवी की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल तो डरता है, गुंगा है और लक्ष्मण लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को जमुना के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं जमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और जमुना दास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोनों दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को करनल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का, का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो और, और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग मिली टेन आउट ऑफ फाइव की रेटेन दोस्तों फिफ्टी की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल माल की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों तो गोलमाल अगेन जो कि दो की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉरर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगल मूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और कथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात करें यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल रूप रूप के रूप में और अरसद वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मेथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद साउद सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु रेडी के रूप में प्रकाश राज और पांडुरंगा के रूप में बरचेज हिरजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबा एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आकसफ़ी में तीन सौ दस पॉइंट करोड़ से अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट जो पर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका आजीवन घरेलू शुद्ध संग्र, संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन करोड़ तीन सौ करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गा है और लक्ष्मण तुत तु तु लाता है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को यमुना के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं जमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोनों दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथाले छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसू के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग मिली आम डी दोस्तों टेन आउट ऑफ फाइव की रेट दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोल माल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोल माल चीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों गोलमाल अगेन जो कि 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉरर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगल मूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात करें यार यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल रूप 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 के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद साऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप में बरचेज हिरजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबे एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आकसअपी में तीन सौ दस पॉइंट करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो हज़ार सत्रह में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट जपर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉग बोस्टर थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका जी, आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन अट्ठानबे करोड़ तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ मिश्री समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गुतलाता है और लक्ष्मण तुतलाता तु तु है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को जमुना दास के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं यमुनादास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोन दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लक्की को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे आप रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है यह सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग भी टेन आउट ऑफ फाइव की रिटर्न दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल माल चीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों तो गोलमाल अगेन जो कि 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉरर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगलमूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फरहाद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात करें यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप में प्रजेस हिरजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबा एक मिनट की थी बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ काफिस में तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो हजार सत्रह में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका जी आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन अठानबे करोड़ तीन सौ दस पॉइंट करोड़ से अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ मिश्री समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस मूवी की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन नॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गा है और लक्ष्मण तुतलाता तु है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को जमुना के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं जमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और जमुना दास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दो दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लक्की को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग भी आम से टेन आउट ऑफ फाइव की रिटर्न दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल माल चीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों तो गोलमाल अगेन जो कि दो की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगल मूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात करें यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही प्रनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद सऊ सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप में प्रचेज हिर इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो 20 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबे एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आकसाफी में तीन सौ करोड़ से वैदिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट जो पर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका आजीवन घरेलू शुद्ध संग्र, संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन से भी की। फिल्म को से और प्रदर्शन के लिए मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस मूवी की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते है गोपाल भूतों से डरता है लकी गुंगा है और लक्ष्मण तुतलाता है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपो गोपाल को जमुना दास के दोस्त प्यारे करनाल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं जमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोनों दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसू के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग भी आम टेन आउट ऑफ फाइव की रेटिंग दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल मालीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों तो गोलमाल अगेन जो कि दो की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगलमूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फरहाद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात कर यार, यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडू रंगा के रूप में बरचेज हिरजी इसमें वो सभी करेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबा एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आकसअपी में तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो हज़ार सत्रह में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉग बोस्टर थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका जी, आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन अट्ठानबे करोड़ तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ मिश्री समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस मूवी की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गुतलाता है और लक्ष्मण तुतलाता तु तु है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को जमुना दास के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं यमुनादास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोनों दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग मिली आम टाइव की रिटर्न दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल माल चीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों गोलमाल अगेन जो कि 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉरर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगल मूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और कथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात की यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और हर्षद वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मेथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप में ब्रजेज हिरजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबे एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आगसपी में तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली क्या उस पर 2017 में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका जी आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन सौ करोड़ तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस मूवी की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गाता है और लक्ष्मण है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को जमुना के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं जमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और जमुना दास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोनों दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत मादों पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का, का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो और, और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग मिल आम दोस्तों टेन आउट ऑफ फाइव की रेटर वाले दोस्तों फिफ्टी की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोल माल की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों गोलमाल अगेन जो कि 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉरर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगल मूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फरहाद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात करें यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल रूप 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 के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही प्रनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु रेडी के रूप में प्रकाश राज और पांडुरंगा के रूप में बरचेज हरजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबे एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आकसफ़ी में तीन सौ दस पॉइंट करोड़ से अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट जो पर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉग थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका जी आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन सौ अट्ठानबे करोड़ तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस मूवी की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी है और लक्ष्मण लक्ष्मणता है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को यमुना के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं जमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोनों दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसू के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग भी टेन आउट ऑफ फाइव की रेटिंग दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल मालीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों तो गोलमाल अगेन जो कि दो की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगलमूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फरहाद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात कर यार, यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद साऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप में जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप में प्रचेज फिर जी इसमें वो सभी करेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो 20 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबे एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का 70 करोड़ का सिर्फ बागसफी में तीन सौ करोड़ से अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉग बोस्टर थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका जी, आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन अट्ठानबे करोड़ तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ मिश्री समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गुतलाता है और लक्ष्मण तुतलाता तु तु है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को जमुना दास के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं यमुनादास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं कई बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दो दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लक्की को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है यह सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग भी टेन आउट ऑफ फाइव की रेटिंग दोस्तों फिफ्टी की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल माल चीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों तो गोलमाल अगेन जो कि 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉरर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगलमूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात करें यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडू रंगा के रूप में प्रजचेज हिरजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबा एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ बॉक्सऑफिस में तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो हज़ार सत्रह में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन अठानवे करोड़ तीन सौ दस पॉइंट करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए के लिए आलोचना साथ समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस मूवी की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गंगा है और लक्ष्मण तूतलाता है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को जमुना के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं जमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और जमुना दास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोन दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथाले छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को करनल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को करनल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग मिली टेन आउट ऑफ फाइव की रेटेन दोस्तों फिफ्टी की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल माल की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों तो गोलमाल अगेन जो कि दो की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉरर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगल मूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और कथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात करें यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल रूप रूप के रूप में और अरसद वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मेथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद साउद सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु रेडी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप में बरचेज हिजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबा एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आकसफ़ी में तीन सौ दस पॉइंट करोड़ से अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट जो पर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका आजीवन घरेलू शुद्ध संग्र, संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन करोड़ तीन सौ करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गूंगा है और लक्ष्मण तुत तु लाता है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को यमुना के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं जमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोनों दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग मिली आम डी दोस्तों टेन आउट ऑफ फाइव की रेटन दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोल माल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोल माल चीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों गोलमाल अगेन जो कि 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉरर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगल मूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात कर यार, यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल रूप 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 के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद साऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप में बरचेज हिरजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबे एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आकसअपी में तीन सौ दस पॉइंट करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो हज़ार सत्रह में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉग बोस्टर थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका जी, आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन अट्ठानबे करोड़ तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ मिश्री समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी है और लक्ष्मण तुतलाता तु तु है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को जमुना दास के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं यमुनादास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए 25 साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोनों दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का, का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग मिली आउट ऑफ फाइव की रेटिंग ना दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोल माल की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों गोलमाल अगेन जो कि 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉरर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगल मूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात करें यानी यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल रूप 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 के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही प्रनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद साऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप में प्रजचे हिरजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबा एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का इसने माकसफी में तीन सौ दस पॉइंट करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो हज़ार सत्रह में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका जी आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन सौ करोड़ तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस मूवी की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गाता है और लक्ष्मण है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को जमुना के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं जमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और जमुना दास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं कई बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दो दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लक्की को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग भी आम डी आउट ऑफ फाइव की रिटर्न दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल माल चीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों तो गोलमाल अगेन जो कि दो की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगल मूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात करें यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही प्रनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद सऊ सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप में प्रचेज हिर इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो 20 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबे एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आकसाफी में तीन सौ करोड़ से वैदिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट जो पर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉग थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन सौ करोड़ तीन करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गूंगा है और लक्ष्मण तुत तु तु लाता है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को यमुना के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं जमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं कई बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दो दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसू के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग भी लिया फाइव की रेटन दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल मालीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों तो गोलमाल अगेन जो कि दो की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगलमूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फरहाद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात कर यार, यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप मेंज हिरजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबे एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ बॉक्सऑफिस में तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो हज़ार सत्रह में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन करोड़, करोड़ से से भी अधिक की की कमाई फिल्म को आलोचकों और प्रदर्शन के लिए प्रशंसा यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस मूवी की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गुंगा है और लक्ष्मण तुत लाता है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को जमुना दास के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं यमुनादास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोनों दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग मिली है, आम से टेन आउट फाइव की रिटर्न दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल माल चीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों गोलमाल अगेन जो कि 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉरर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगल मूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और कथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात की यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और हर्षद वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मेथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडू रंगा के रूप में प्रचेज हिरजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबा एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का इसने बासफापी में तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो हज़ार सत्रह में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका जी, आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन सौ करोड़ तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस मूवी की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गाता है और लक्ष्मण है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को जमुना के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं जमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और जमुना दास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोनों दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत मादों पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को करनल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का, का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग मिल आम दोस्तों टेन आउट ऑफ फाइव की रेटिंग वाले दोस्तों फिफ्टी की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोल माल की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों गोलमाल अगेन जो कि 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉरर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगल मूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फरहाद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात करें यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल रूप 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 के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु रेडी के रूप में प्रकाश राज और पांडुरंगा के रूप में बरचेज हिजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबा एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आकसफ़ी में तीन सौ दस पॉइंट करोड़ से अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट जो पर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका आजीवन घरेलू शुद्ध संग्र, संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन करोड़ तीन सौ करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गूंगा है और लक्ष्मण तुत तु तु लाता है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को यमुना के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं जमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोनों दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथाले छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसू के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग मिली आम डी दोस्तों टेन आउट ऑफ फाइव की रिटर्न दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोल माल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोल माल चीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों गोलमाल अगेन जो कि 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉरर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगल मूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात करें यार यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल रूप 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 के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद साऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप में बरचेज हिरजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबे एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आकसअपी में तीन सौ दस पॉइंट करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो हज़ार सत्रह में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉग बोस्टर थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका जी, आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन अट्ठानबे करोड़ तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ मिश्री समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गुतलाता है और लक्ष्मण तुतलाता तु तु है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को जमुना दास के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं यमुनादास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए 25 साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोन दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लक्की को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है यह सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग भी टेन आउट ऑफ फाइव की रिटर्न दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल माल चीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों तो गोलमाल अगेन जो कि 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉरर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगलमूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात करें यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप में ब्रजेज हिरजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबे एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आगसपी में तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली क्या उस पर 2017 में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक बोस्टर थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका जी आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन सौ करोड़ तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस मूवी की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गाता है और लक्ष्मण है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को जमुना के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं जमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और जमुना की स्मारक सेवा के लिए 25 साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं कई बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दो दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लक्की को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग भी आम डी आउट ऑफ फाइव की रिटर्न दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल माल चीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों तो गोलमाल अगेन जो कि दो की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगल मूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात कर यार, यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद साउद सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु रेडी के रूप में प्रकाश राज और पांडुरंगा के रूप में बरचेज हिजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबा एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आकसफ़ी में तीन सौ दस पॉइंट करोड़ से अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट जो पर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका आजीवन घरेलू शुद्ध संग्र, संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन करोड़ तीन सौ करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गूंगा है और लक्ष्मण तुत तु तु लाता है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को यमुना के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं जमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोनों दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग मिली तो टेन आउट ऑफ फाइव की रेटन दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल माल की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों गोलमाल अगेन जो कि 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉरर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगल मूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और कथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात कर यार, यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और अरशद वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद साउद सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप मेंज हिरजी इसमें वो सभी करेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबे एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आकसअपी में तीन सौ दस पॉइंट करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो हज़ार सत्रह में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉग बोस्टर थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका जी, आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन अट्ठानबे करोड़ तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ मिश्री समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी है और लक्ष्मण तुतलाता तु तु है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को यमुना दास के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं यमुनादास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए 25 साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोनों दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथाले छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का, का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रसित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग मिली आउट ऑफ फाइव की रेटिंग ना दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोल माल की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड वो तो गोलमाल अगेन जो कि 2017 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉरर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगल मूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात करें यानी यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल रूप 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 के रूप में और हर्षदवार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद साऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप में प्रजचे हिरजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबा एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का इसने माकसफी में तीन सौ दस पॉइंट करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो हज़ार सत्रह में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉक थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका जी आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन सौ करोड़ तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस मूवी की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गाता है और लक्ष्मण है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को जमुना के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं जमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और जमुना दास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं ले जाये जाये और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोन दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लक्की को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग भी आम डी आउट ऑफ फाइव की रिटर्न दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल माल चीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों तो गोलमाल अगेन जो कि दो की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगल मूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फराहद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात कर यार, यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही प्रनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद सऊ सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप में प्रचेज हिर इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो 20 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबे एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आकसाफी में तीन सौ करोड़ से वैदिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट जो पर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉग थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन सौ करोड़ तीन सौ करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस मूवी की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी गूंगा है और लक्ष्मण तुतलाता तु तु है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को यमुना के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं जमुना दास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए पच्चीस साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोनों दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसू के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग भी टेन आउट ऑफ फाइव की रेटिंग दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है दोस्तों तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक गोलमाल अगेन मूवी के बारे में जो कि गोलमाल मालीज की मूवी है तो यह मूवी कैसी थी मूवी की स्टोरी कैसी थी और मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं एकदम डिटेल में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी से रिलेटेड दोस्तों तो गोलमाल अगेन जो कि दो की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी फिल्म थी यानी हॉर इसमें भी थोड़ा बहुत हॉरर सीन्स भी दिखाई गए हैं जो रोहित शेट्टी पिक्चर्स मंगलमूर्ति फिल्म और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित की गई थी इस मूवी के निर्देशक यानी डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी और पाठकथा की थी इस मूवी की यूनुस साजवाल और संवाद किया था फरहाद साजिद ने और कहानी दी थी रोहित शेट्टी ने कास्टिंग की बात कर यार, यानी इस मूवी में आपको कौन किस रूप में देखने को मिलते हैं तो अजय देवगन गोपाल के रूप में और हर्षद्वार वारसी माधव के रूप में तब्बू अन्ना मैथ्यू कथावाचक बी के रूप में और युवा अन्ना के रूप में दीक्षा शर्मा देखने को मिलती हैं और साथ ही परनीति चोपड़ा अजय खुशी चौहान दामनी के रूप में और तुषार कपूर अजय लक्की के रूप में और यंग लक्की के रूप में मोहम्मद सऊद मंसूरी और श्रेय तलपड़े लक्ष्मण एक के रूप में और कुणाल खेमू अजय लक्ष्मण टू के रूप में निखिल के रूप में नील नितिन मुकेश और जॉनी लीवर के रूप जॉनी लीवर पुजारी के रूप में आपको इस मूवी में देखने को मिलते हैं वासु वासुरेड्डी के रूप में प्रकाश राज और पांडूरंगा के रूप मेंज हिरजी इसमें वो सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी मूवीज़ में ज़्यादातर देखे जाते हैं कुल मिलाकर एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी थी जो बीस अक्टूबर दो को रिलीज हुई थी इसकी टोटल लंबे एक मिनट की थी और बजट रखा गया था इस मूवी का सत्तर करोड़ का सिर्फ आकसअपी में भी तीन सौ दस पॉइंट करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी यह फिल्म दिवाली के अवसर पर दो हज़ार सत्रह में रिलीज हुई थी आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपर स्टार के साथ टकराव के बावजूद गोलमाल अगेन साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉग बोस्टर थी और अब तक की छियालीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी थी उसका जी, आजीवन घरेलू संग्रह शुद्ध संग्रह दो करोड़ से अधिक था जबकि दुनिया भर में सकल तीन अट्ठानबे करोड़ तीन सौ दस पॉइंट अट्ठानबे करोड़ से भी अधिक की कमाई की फिल्म को आलोचकों से हास्य और प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और तकनीकी पहलुओं में खामियों के लिए आलोचना के साथ मिश्री समीक्षाएं मिली और यह गोलमाल सीरीज की चौथी मूवी थी कहानी की बात करें इस की तो कहानी में देखने को मिलता है गोपाल माधव लकी लक्ष्मण और लक्ष्मण टू व्यवसायी जॉन ने जॉय जमुना दास द्वारा प्रतिबंधित ऊँटी के एक अनाथालय में अनाथ होते हैं गोपाल भूतों से डरता है लकी है और लक्ष्मण तुतलाता तु तु है वे लाइब्रेरियन अन्ना की भूत और आत्माओं को देखने की क्षमता के बारे में भी जानते हैं लड़कों को एक बच्ची मिलती है और वे उसे अपने घर ले जाते हैं उसका नाम खुशी रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं एक दिन जब माधव शरारत करता है और डरपोक गोपाल को जमुना दास के दोस्त प्यारे कर्नल चौहान के खाली बंगले में डराता है तो उस लड़कों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी गोपाल को सजा भी मिलती है जो गोपाल और लक्ष्मण को अनाथालय छोड़ने के लिए प्रेरित करती है जल्दी ही माधव और लक्की और लक्ष्मण भी ऐसा ही करते हैं वो भी अनाथालय छोड़ के चले जाते हैं खुशी को बाद में कर्नल चौहान और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया कुछ साल बाद गोपाल और लक्ष्मण बबली भाई के रूप में काम करते हैं और माधव लक्की और लक्ष्मण वसूली भाई के लिए काम करते हैं यमुनादास की मृत्यु के बारे में जानने के बाद समूह फिर से जुड़ जाता है और यमुनादास की स्मारक सेवा के लिए 25 साल बाद अनाथालय में लौटते हुए वे कर्नल चौहान से मिलते हैं जो अंधे हो गए हैं और अनाथालय के एक अन्य अनाथ अन्ना और पप्पी से फिर मिल, से मिलते हैं जिन्हें अक्सर याददाश्त खोने की समस्या होती है वे एक लड़की से मिलते हैं जिसे वे बंगले की देखभाल करने वाली दामनी समझते हैं और खुशी की मृत्यु के बारे में सीखते हैं यानी बातें करते हैं स्मारक सेवा के दौरान एक व्यवसायी वासु रेड्डी ने खुलासा किया कि अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा और अपनी खुद की इमारत बनाने की योजना में कहीं और ले जाया जाएगा अन्ना और कर्नल चौहान दोन दो, दो कमरे किराए पर देने का फैसला करते हैं जो वसु को परेशान करता है जो बंगला खाली रखना चाहता है जब समूह अनाथालय छोड़कर घर लौटता है तो प्रस्थान के दौरान एक भूत लक्ष्मण को अपने वश में कर लेता है और उस रात बाद में नाना पाटेकर की आवाज़ में उसे बुलाता है जिसे गोपाल डर भी जाता है और भूत के जाने के बाद गोपाल और लक्ष्मण अन्ना को बुलाते हैं जो झूठ बोलता है कि भूत अभी भी उनके घर में है और उसे और लक्ष्मण को कर्नल चौहान के घर जाने का सुझाव देते हैं बाद में भूत माधव पर कब्जा कर लेता है और वह वसूली को उसे लक्ष्मण और लकी को कर्नल चौहान के बंगले से गोपाल और लक्ष्मण को वसु के लिए बाहर निकालने का काम सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे अप्रचित रूप से तीनों वापस ऊटी आ जाते हैं अब क्या निकाल पाते हैं और भूत कौन है और क्या क्यों भूत इन सभी को डरा रहा है ये सब आपको आगे मूवी में देखने को मिलता है कुल मिलाकर दोस्तों मूवी एक बहुत ही बेहतरीन है कॉमेडी और इस मूवी को आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो और हॉट स्टार पर सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं रेटिंग मिली आए टेन आउट ऑफ फाइव की रेटिंग हमारी दोस्तों फिफ्टी परसेंट की रेटिंग मिली हुई है